मोदी डरता है, किसी को आगे डरता है। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। जब तक मोदी डरता है, किसी को आगे डरता है। जब तक मोदी डरता है, किसी को आगे डरता है। जब तक मोदी डरता है, किसी को आगे डरता है। मोदी सरकार जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, मोदी डरता नहीं चलेगा दो डंडा। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेस मीडिया के बंधु और मेरा कांग्रेस पार्टी के साथीगण, भाई बहन और दोस्तों, आज हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। यहाँ राजीव गांधी जी का जो भवन का मैदान में सारा भारतवर्ष में, हर प्रदेश में, हर जिला में आज हम लोग सत्याग्रह ऑल ओवर इंडिया में कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार जो ईडी को लगा के हमारा नेता, कांग्रेस का जो अध्यक्ष था मैडम सोनिया गांधी जी को हरासमेंट कर रहा है। पिछला दो दिन से उन लोगों ने प्रश्न किया, 70 प्रश्न किया, 70 क्वेश्चंस, इस प्रकार से हरासमेंट एक लीडर को, एक वुमेन को, एक देश का जो नेता को इस प्रकार से हरासमेंट करना तो बहुत ही ख़राब है। ये बहुत दुखद का बात है। हर लोग गलत कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, केस हो सकते हैं, लेकिन सबको इस प्रकार से हरासमेंट तो नहीं करता है। सिर्फ सवाल पूछते हैं, केस होने से FIR लूज करते हैं और कानून को कार्रवाई करने के लिए मौका देते हैं, कोर्ट में भेजते हैं, थाना में भेजते हैं, लेकिन एक जो देश का बहुत बड़ा नेता और जो सेक्रीफाइस पे मिली है, जिस फैमिली ने देश का आज़ाद दिलाया, जिस फैमिली ने देश के लिए कुर्बानी किया, जिस परिवार ने देश को रक्षा किया, देश को बनाया, तो उस फैमिली को इस प्रकार से टॉर्चर करना, हरासमेंट करना तो बहुत गलत है, निंदनीय है ये। इसलिए हम लोग आज 3 दिन फिर प्रश्नों पूछ रहा है, तो कितना दिन पूछेंगे पता नहीं है। राहुल गांधी को 5 दिन पूछा, कुछ नहीं मिला, और अभी तो कुछ नहीं बताया, पूछ के क्या मिला। इसी प्रकार हर मीडिया का बंधु को पूछेंगे तो क्या होगा। नेशनल हेराल्ड भी तो एक मीडिया है, एक अखबार है, न्यूज़पेपर है, तो उसी न्यूज़पेपर ने उसका न्यूज़पेपर का दौरा से देश को आज़ादी दिलाया, कांग्रेस को बनाया देश ने, और कांग्रेस का दौरा से देश को आज़ादी दिलाया। इतना सारा जो देशवासियों लोगों ने कुर्बानी दिया, उन लोगों के लिए भी तोरा भी चिंता नहीं है, तोरा भी भावना नहीं है, तोरा भी दयालु नहीं है। इसी प्रकार से एक औरत को हरासमेंट देना तो गलत है, इसलिए हम लोगों ने धरना यहाँ धरना आज सत्याग्रह है। पिछला 2 दिन हम लोगों ने धरना किया और आज 3रा दिन हम लोग सत्याग्रह कर रहा है। हमारा और
कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोगों के साथ में हम लोग भी यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, उसको आज़ाद नहीं होगा, जब तक ये हमारा जो संविधान को खतरा में डालेगा, हमारा जो डेमोक्रेसी को खतरा में डालेगा, उसको रक्षा करने के लिए हम लोग इस प्रकार से सत्याग्रह करेंगे। सर एक सवाल रहेगा, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ये सोनिया गांधी से मैम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अंशु ने कहा है कि आप जो कांग्रेस की आप लोग की जो पार्टी है स्टेट के कॉन्टेक्स्ट का जो इशू होता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग ज़्यादातर मेन स्ट्रीम के इशू को लेते हैं, उसका ऊपर आप लोग का क्या कहना है? अंशु हमारा भाई बहन है, हमारा बच्चे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशंस है जो वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशंस है, यूथ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, उन लोग का जो विचार ये सही हो सकता है, और हम लोग से अपोजिशन पार्टी के हिसाब से कहा होगा उन लोग का इशू में सपोर्ट चाहिए, तो जरूरी उन लोग का इशू में यूनियन इशू में तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, वो लोग जो बताएंगे इशू का बारे में हम जरूर सपोर्ट करेंगे और आवाज़ उठाएंगे, सरकार को कहेंगे कि उन लोग का मांग को पूरा करने के लिए, और उन लोग का दायित्व है वो भी आवाज़ उठाने का जरूरी है, तो वो लोग तो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस है, यूथ कोर्स है, और ये हमारा जो विशेष करके जो अफसो अंशो जो है अरुणाचल का इंडिजीनियस प्रोटेक्शन के लिए प्रिजर्वेशन के लिए, इसके लिए ये हम लोग समय शुरुआत से बनाया था, और उन अरुणाचल के हित के लिए बोलेंगे, अरुणाचल के हित के लिए काम करेंगे, और हम लोग भी पहले किया और अभी भी करेंगे, और अरुणाचल तो अब ये नया चीज़ नहीं है, समय समय में बदलेंगे, ये सिचुएशन बदलते आएगा, क्योंकि अरुणाचल कब से बना कैसे बना सबको पता है, एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल पासीघाट से शुरुआत हो कि आज कितना कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, हजार लाखों का स्टूडेंट्स हो गया, तो ये तो समय समय में बदलेगा, हमारा आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर में था, असम का सरकार के अंदर में था, हमारा हम सब का कैपिटल शिलोंग में था, पूरा नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल, उस समय भी हम लोग जन्म लेकर के ये हो गया नेपाल बना, नेपाल से यूनियन टेरिटरी बना, यूनियन टेरिटरी से अभी स्टेट हो गया, स्टेट पर कितना सरकार बदल गया, कितना पार्टी बना और कितना नियम कानून बनाया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बना, वो तो ये तो ये चेंज होगा, ये रिफॉर्मेशंस विल कंटिन्यू, इट विल नॉट देयर इज नो एंड टू इट, अभी समय समय में जो अभी जो जनरेशन टू जनरेशन बदलते आएगा, फर्स्ट जनरेशन में तो हम लोग का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, एक ऑफिसर नहीं था, है कि नहीं, और उसके बाद सेकेंड जनरेशन में इतना सारा ऑफिसर हो करके अभी अरुणाचल को डेवलपमेंट में लेके जा रहा है, अभी थर्ड जनरेशन लीडर लोग आ रहे हैं, थर्ड जनरेशन लीडर लोग फिर और अच्छा काम करेंगे, अरुणाचल का खुशी के लिए काम करेंगे, अरुणाचल का उन्नति के लिए काम करेंगे, वो तो एक ये डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, इशू भी कभी ख़त्म नहीं होगा, इशू तो बढ़ते जाएगा, क्योंकि अभी मोस्टली एम्प्लॉयमेंट का बारे में जो भाई लोग ने कहा है मैं मानता हूँ उसको कहना चाहिए, शुरू में तो अरुणाचल में ट्राइबल रिजर्वेशंस तो नौकरी में नहीं था, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा नहीं था तो रिजर्वेशंस उस समय में नहीं हुआ, तो ग्रेजुएशन होके यहाँ जब अरुणाचल में अपना यहाँ ग्रेजुएशन लोग को मिला तो रिजर्वेशन सबसे शुरू हुआ, जब यूनियन टेरिटरी समय से 50% रिजर्वेशन रखा, क्योंकि शुरू में तो 100% नॉन ट्राइबल था अरुणाचल को जब बनते समय में, उसके बाद 50% में हम लोग लेके आया, अभी 80-20 में लेके आया, 80% ट्राइबल 20% नॉन ट्राइबल कोई भी रिक्रूटमेंट में, और अभी हम लोग ग्रुप सी डी को तो पोर्ट ग्रेड स्टाफ को तो 100% कर दिया, अभी 100% हो गया, ए बी में 50% है और 80-20 है,
तो अभी धीरे धीरे ये भी 100% हो जाएगा। जब हमारा यहाँ इतना ग्रेजुएशन सब कॉम्पिटिशन होके आ जाएगा, जो मास्टर्स करके आएंगे, इंजीनियर डॉक्टर्स करके आएगा, तो सब हमारे वो भी 100% हो ही जाएगा। ये समय के साथ चेंज होगा, ये नेचुरल फेनोमेना है, वो तो वैसे इस प्रकार से तो बदलते रहेगा। उस समय में उस पर सरकार ने क्या किया था वो अभी पूछने से पैदा नहीं है। सेकेंड थर्ड सरकार कौन सा मुख्यमंत्री ने क्या काम किया, कैसे काम किया, उसको तो टाइम लगेगा, समय बहुत समय लगेगा बताने के लिए। और मेरा समय में हम कितना काम किया हो वो भी बहुत समय लगेगा। वो है बोल सो रिफॉर्म, सो मेनी रिफॉर्म्स मेड। अरुणाचल में बिल्कुल म्यूनिसिपल एक भी नहीं था, ईटानगर और पासीघाट म्यूनिसिपल मैंने लाया, बहुत सारा कानून बनाया। अभी सिस्टम में आ रहा है, पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 14 फाइनेंस कमीशन ग्रांट आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है। तो इसी प्रकार तो समय के साथ में सब डेवलपमेंट आएंगे। और उन लोग का कहना भी सही है, क्योंकि उन लोग का जब इशू हमारा सामने लेके आएगा, हम उसका उन लोग के लिए आवाज़ उठाएंगे। और अभी जो हम जो इशू धरना बैठ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, हमारा नेता को हरासमेंट कर रहा है, और हमारे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी पार्टी है और कांग्रेस सबसे पुराना पार्टी है, सबसे बड़ा पार्टी है और नेशनल पार्टी है, और ये कांग्रेस पार्टी सब लोग हर लोगों के लिए काम किया, सबको सुविधा दिया, सबको बनाया। ये हम लोग का तो माँ बाप है, कांग्रेस पार्टी हर पॉलिटिकल पार्टी का बाप है और माँ है। तो इसलिए हम उसको रक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहा। नहीं का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो? नहीं, प्रश्न तो पूछना चाहिए, इसलिए तो जवाब देने के लिए रेडी है, इसलिए तो जाके जवाब दे रहा है, जितना पूछना चाहिए। लेकिन वो एक दिन में ख़त्म हो सकता है प्रश्न, दो दिन में ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो इतना दिन प्रश्न पूछने का तो वो तो हरासमेंट है ना। कोई भी केस इतना बड़ा बड़ा केस है, वो तो एक दिन पूछ के सॉल्व करते हैं। अगर वो केस होने से तो वो कोर्ट फैसला करेगा ना, कोर्ट इसलिए है, न्यायालय किस लिए है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, न्याय वो लोग देंगे ना। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार इसको गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? गलत तरीका सिर्फ नहीं है, ये तो ये हमारा जो सेटअप को सिस्टम को मिसयूज कर रहा है। ईडी जो इंस्टीट्यूशंस है इसको इंस्ट्रूमेंट बना करके उसको मिसयूज कर रहा है और ओपोनेंट को टारगेट कर रहा है, और ये इससे ओपोजिशन पार्टी को कमज़ोर करने के लिए कोशिश कर रहा है। ओपोजिशन पार्टी कमज़ोर होने से देश का डेमोक्रेसी कैसा क्या हाल होगा, ये डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, डिक्टेटरशिप होगा। तो सब लोग चाहेंगे क्या इन भारत देश में क्या डिक्टेटरशिप हो, यहाँ तो डेमोक्रेसी इतना सुंदरता है, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री संविधान में लिखा हुआ है, तो उसी के अंदर में हम सब है। अगर उसी को भी अगर खतरा हो जाएगा, तो वो नुकसान हो जाएगा, तो हम लोग कैसे जिएगा, तो पॉलिटिक्स कहाँ होगा और यहाँ में यह डेमोक्रेसी कहाँ होगा। तो इसलिए मेरा अपील है कि इस प्रकार से उसको हरासमेंट ना करें और इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज ना करें, और देश के लिए हित के लिए काम करें, देश लोगों के लिए सेवा करें। सर अभी काफ़ी बारिश भी दे रहे हैं यहाँ में, आप लोग का ये सत्याग्रह पीसफुल ये कब तक चलेगा, आप लोग कब तक करने के लिए? जब तक ईडी हमारे लीडर को हरासमेंट देते रहेगा, और जब तक हमारा लीडर न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग सत्याग्रह करते रहेंगे। आपको लगता है यहाँ की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेंगे, सेंट्रल तक आवाज़ तो ज़रूर पहुँचना चाहिए, इसलिए आप लोग को बुलाया है। आप लोग का दरा से आवाज़ पूरा दुनिया में पहुँचेगा, देश में पहुँचेगा, हर जन लोगों को पहुँचेगा। आप लोग तो आवाज़ है, आप लोग तो मिरर है, आप लोग तो सोर्सेस है, तो आप लोग का दरा से सब पहुँचेंगे, क्योंकि देश आप लोग का दरा से रुकेगा और सुरक्षित होगा, और देश आप लोग के वजह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग द पोर्ट प्लेयर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाते हैं।